हेलो फ्रेंड्स ए आई एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इग्नू के बी एल आई एस और सी एल आई एस यानी कि बैचलर और सर्टिफिकेट प्रोग्राम लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों के सामने है मैं अभी इसके बारे में इसके कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगा और कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा छोटी सी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी में स्टडी मेटेरियल के लिए हमें कमेंट कर रहे हैं तो हम जल्दी ही हिंदी में भी वीडियोज लेके आएंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन और एकोनॉम्स हैं ये आप लोगों के लिए इंग्लिश में पढ़ना ईजी रहेगा इसलिए इंग्लिश में ये वीडियो कवर करें अभी हम वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई आई टी एल आई एस तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस आई ए टी एल आई एस जो टीचर्स हैं लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस के उनका जो इंडियन एसोसिएशन है उसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है आई आई टी एल आई एस आई आई ए फाउंडेड इन यू एस एन नाइनटीन सिक्सटी एट स्टैंड फोर इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन उन्नीस सौ अड़सठ में यूएसए में फाउंड हुआ था स्थापित किया गया था क्लासिफिकेशन फॉर फॉर ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर एनएस फॉर तो आपने देखा भी होगा नेशनल असेसमेंट एंड डेग्रिडिटेशन काउंसिल इग्नू का भी एन ए एस के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया उसके बाद वो ग्रेडिंग देता है जिसके बेस पे असेस करके और वो ग्रेडिंग मायने रखती है यूनिवर्सिटी के लिए तो एन ए ए सी नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल ए सी आर एल एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज को ए सी आर एल बोला जाता है किलिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स ऑप्शन ए इज करेक्ट स्कोनुल सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अभी जो ऑप्शन है पर्टिकुलर आंसर उसी पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा ना हो और जो आपको अगर एग्जामिनेशन में मिले तो इजीली आप डायरेक्टली उसे क्लिक कर सकें निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्सिज नीलिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑप्शन इज करेक्ट विपो स्टैंड वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूए पी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन आई एस बी एन आप देखते हैं हर एक बुक का एक आई एस बी एन नंबर होता है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है आप लोग ऑनलाइन भी पब्लिश करते होंगे किंडल वगैरह पे तो भी देखते हैं कि आई एस बी एन नंबर जनरेट होता है वो हर एक बुक का यूनिक होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ई एन आई ए सी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट पी डी ए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट द करंटली यूज फुल फॉर्म ऑफ ओसीएलसी इज ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ऑप्शन बी इज करेक्ट यूबीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल बाइबलियोग्राफिक कंट्रोल इन फ्लिपनेट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ऑप्शन बी सी इज करेक्ट निकडेप एनआईसी डी एपी स्टैंड फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ड्रग एंड फार्मेटिकल लखनऊ अभी आई एन आई ए स्टैंड्स फॉर आप देख सकते हैं आई एन आई एस इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी इसका जो मेन पर्पज़ है ये एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है फॉर साइंट इट इज एन इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर पब्लिश ऑन पीसफुल अप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम आई एन आई एस ऑप्शन सी इज करेक्ट ए ए सी ओ बी एस ऑस्ट्रेलियन एडवाइजरी काउंसिल ऑल Bibliographic Services AAL Association of Assistant Librarians AALDI Association of Agricultural Librarians and Documentalists of India ANI Abstracting and Indexing AACR2 Anglo American Cataloging Rules Second Edition AALL American Association of Law Libraries AALS Association of American Library Schools AASL American Association of School Librarians ए एल एस एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी स्कूल्स ए बी ए एंटीक्न बुक सेलर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ए बी ए सी यू एस एसोसिएशन ऑफ बाइबलियोग्राफिक एजेंसी ऑफ ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ए बी सी एवरिस्ट बिल्डिंग क्लासीफिकेशन फॉर आर्किटेक्ट बिल्डर्स एंड सिविल इंजीनियर्स एवरिस्ट बाइबलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन इसकी दो फुल फॉम है जो भी आपको आंसरों में मिले वो क्लिक कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट वीडियो थी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन और एक्रोनिमिम्स हमने लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की कवर किए हैं तो इसमें जो भी है मैंने अपने बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनसे पता करके इसमें अपलोड किया है फिर भी अगर इसमें कोई गलती है तो ए आईस एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो आप लोग एक बार अगर आपको किसी में डाउट है तो आप कन्फर्म भी कर सकते हैं कहीं और से तो डिटेल्स थी हमारी हमने एक्सप्लेन किया आपको इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन और एक्रोनिम्स लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के